गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर मैं निधि सक्सेना तुम लोगों के सामने। जो प्रीवियस वीडियो मेरा बना था उसमें आप लोगों ने पढ़ा एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, लेकिन उसमें तुमने खाली असर्टिव सेंटेंसेस को पढ़ा था। तो आज दैट विल बी कंटिन्यू, और आज हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले टेंस वाइज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ये पूरा एक फॉर्मेट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जब चेंज करेंगे, ये क्या था, एक्टिव वॉइस था। जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज इसे चेंज करते हैं। जैसा कि आज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, डज इज चेंज इनटू इज एम आर। अब इज एम आर देर आर थ्री वर्ड्स, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग के साथ इज यूज करेंगे, इज अ सॉन्ग देन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब संग, इज अ सॉन्ग संग देन वी शैल यूज बाय, एंड जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ रख देंगे हर। इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर सेम है, हेल्पिंग वर्ब प्लस जो यहाँ पर सब्जेक्ट था उसे बना दिया ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट था उसे बनाया गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट फॉर्म वर्ब थी, वर्ब की थी, इधर क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर क्या यूज़ करेंगे, बाई एंड देन सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, इट मीन्स जो ये सब्जेक्ट था, जो ये सब्जेक्ट था शी, इसको हमने बना के रखा ऑब्जेक्ट हर, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को चेंज करते हैं, अभी मैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, इसी को अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, जैसे When does she sing a song? When does she sing a song? देखिए क्वेश्चन सेंटेंस वही है जो ऊपर था, बट डिफरेंस इतना है कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किससे शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड देन इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इसे हेल्पिंग वर्ब कहें या डू या डज कहें, देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। जब चेंज करेंगे, ये क्या था,
एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस था। जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे सब्जेक्ट बना के रखेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे यूज़ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन बाय, उसके बाद जो सब्जेक्ट इधर होगा सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस देन क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी द सेंटेंस, क्या करेंगे व्हेन, देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले बनाना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड कभी चेंज नहीं करते, जो होता है व्हेन है तो व्हेन ही यूज़ करेंगे, वाई होगा तो वाई ही लिखेंगे, व्हाट होगा तो व्हाट ही लिखेंगे। फिर डू या डज, बताइए किस में कहा था चेंज करने को, डू या डज को चेंज किया जाता है इस एम आर में। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग है, व्हेन इज अ सॉन्ग देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब संग बाय हर आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। ये स्टूडेंट ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं। अभी एक सेंटेंस और बचा है जो स्टार्ट होता है हु से, हु सिंग्स, इसमें क्या होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करते, हु इस तरह के सेंटेंसेस में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। हु सिंग्स अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, चेंज करेंगे कैसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे देन हु विल चेंज इनटू बाय हुम, हु विल चेंज इनटू बाय हुम, शुड रिमाइंड शुड रिमेंबर हु विल चेंज इनटू बाय हुम, हु को बाय हुम में चेंज करेंगे। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज लगता है, यहाँ पे डू डज यूज़ नहीं किया बट यहाँ पे वर्ब इज़ यूज़ की जाएगी क्योंकि डू डज को किस में बदलते इज एमान में। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बाय हुम इज अ सॉन्ग, बाय हुम इज अ सॉन्ग एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब संग देन क्वेश्चन मार्क। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी मुझे लगता है कि कुछ और एग्जांपल्स देकर के समझाने की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स कुछ और सेंटेंसेस लेकर के वही रूल और क्लियर करते हैं। एक और सेंटेंस है डज मिस्टर गुप्ता टीच हर ग्रामर, डज मिस्टर गुप्ता टीच हर ग्रामर, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू या डज से स्टार्ट है, डू या डज से जब स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे इस मार डू या डज को, फिर वही वंस अगेन यू शुड रिमेंबर डू और डज चेंज इन इस एम आर इन पैसिव वॉइस, डू और डज चेंज इन इस एम आर इन पैसिव वॉइस। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, इनको दो तरीके से बनाया जा सकता है। फिर पहले हम ग्रामर से बनाते हैं, इज ग्रामर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज ग्रामर टॉट टू हर
by Mr. Gupta. इसको दो तरीके से बनाएंगे, देखिएगा, क्योंकि दो सेंटेंस दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और करके इसी का दूसरा सेंटेंस जो बनाया जा सकता है ऑब्जेक्ट वन से, ये भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट हर है, हर को चेंज करेंगे किसमें, शी में। अब शी के पहले वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज शी टॉट, is she taught grammar by Mr. Gupta? Is she taught grammar by Mr. Gupta? Then question mark. Single interrogative sentence था, इसी को double interrogative sentence means question word से शुरू करते हैं। What does Mr. Gupta teach her? What does Mr. Gupta teach her? Once again देखिए, ये क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड इट इज नेवर चेंज। When does को किस में चेंज करते हैं, is, when is, खाली इसमें नहीं चेंज कर सकते, इज एम आर किसी में भी चेंज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, हर। व्हेन इज शी, हर को क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, व्हेन इज शी, सॉरी व्हेन नहीं था यहां पे, व्हाट था, व्हाट इज शी taught, what is she taught by Mr. Gupta? ये क्या हुआ, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, who teaches her क्वेश्चन मार्क, हु को किस में बदलेंगे, हु को किस में चेंज करेंगे, बाई हुम, हु को चेंज करेंगे बाई हुम, बाई हुम के बाद क्या करेंगे, इज, बाई हुम इज, देन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बाई हुम इज शी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट, बाई हुम इज शी टॉट, देन क्वेश्चन मार्क। ये तो था प्रेजेंट इनडेफिनिट interrogative sentence, and past indefinite interrogative sentence you will see in next video.